हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। ये हमारा 2023 का बेसिक इकोनॉमिक्स का पेपर है। आई रिपीट, बेसिक इकोनॉमिक्स का 2023 का पेपर है। इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का पेपर है और बीएससी और बीकॉम में माइनर सब्जेक्ट के रूप में चलता है। यानी कि अगर कोई बीएससी या बीकॉम में फर्स्ट ईयर में अगर ये माइनर सब्जेक्ट लिया है तो सेकेंड सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम होता है, और अगर सेकेंड ईयर में लिया है तो फोर्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है। तो इस बेसिक इकोनॉमिक्स के पेपर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी विच वन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। तो इसका फार्मूला होता है एम वी इक्वल टू पी वाई। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैश बैलेंस अप्रोच टू द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी इज एक्सप्रेस्ड एज। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, फाई इक्वल टू के आर डिवाइडेड बाई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थियरी ऑफ डिमांड? यानी इनमें से कौन अर्थशास्त्री मुद्रा के नकद शेष दृष्टिकोण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ए सी पीगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द केन्स फॉर द डिमांड ऑफ द मनी? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। यानी इनकम मोटिव डिमांड, बिजनेस मोटिव डिमांड और स्पेकुलेटिव मोटिव डिमांड, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्राइडमैन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2। यानी जनरल प्राइस लेवल पी और टोटल फ्लो ऑफ इनकम वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट हु इज एसोसिएटेड विथ मोनेटराइज्ड रिवोल्यूशन? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, मिल्टन फ्राइडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ द इनकम थियोरी ऑफ मनी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, थॉमस टूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ केन्स स्टेट्स? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस एंड द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी। यानी ब्याज दर, तरलता अधिमान एवं मुद्रा की आपूर्ति के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल बैलेंस इफेक्ट थियरी पोस्टुलेटेड बाई? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, ए सी पीगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीगू इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, वेल्थ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड बाई? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज इन टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिस्ट इज कंसर्न विद द लिक्विडिटी थियरी ऑफ मनी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। यानी आर्यस सेयर्स, जे बी गुरले और ई एस सॉ, ये सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स स्टडी दी? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। यानी नेचर ऑफ वेल्थ, क्रिएशन ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2। यानी इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और इकोनॉमिक एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफरेंशिएटेड बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, रैगनर फ्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कार्सिटी रिलेटेड डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाई? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, लियोनेल रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। यानी नेशनल इनकम,
एग्रीगेट प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज, जिसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज यानी कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ग्रेगोरी मैक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली डिमांड कर्व इज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। एक्चुअली डिमांड कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन मार्केट ऑल्सो इंक्रीज इज नोन एज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सप्लाई कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजम्पशन ऑफ एनी गुड इज डिपेंड्स ऑन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2 यानी प्राइस ऑफ गुड्स और यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन इंग्रेडिएंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी यानी अनलिमिटेड वॉन्ट्स, स्केयर मीन्स एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ द मीन्स, तीनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इज ऑथराइज ऑथर्ड बाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 लियोनेल रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट हाइएस्ट वैल्यू वैल्यूड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफ 2 आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्रोथ प्रोसेस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अपवर्ड यानी बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज अल्टरनेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट द एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज यानी टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड और रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, ये एजम्पशंस नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड विथ, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज यानी इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इरिटिगेशन ऑफ पॉवर्टी एंड रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न विथ, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज इन एग्रीगेट प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए डेवलप्ड इकोनॉमिस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इनफैक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज यानी अमर सेन, जीन ड्रेंज और लेविस, ये सभी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थे यानी विकासवादी अर्थशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ टेक ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 WW रोस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस दैट स्टडीज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज ऑथर ऑफ जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 JM Keynes। देखो इसमें फंसाने के लिए JN Keynes भी दिया है, तो JM Keynes सही ऑप्शन है, इनका पूरा नाम है जॉन मैनार्ड कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आर ओ इज दोनों दिया है, विच इज द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही होगा, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, दो ऑप्शन सही है लेकिन मोस्टली लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट नेम ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इज,
यानी वेल्थ ऑफ नेशन इस तरह की एक बुक थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर इस तरह से करके, तो उसकी बात कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आप लोगों से क्वेश्चन है ये बुक किसने लिखी थी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू, कैपिटल यानी पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्टॉक वेरिएबल विच इज करेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज यानी स्नैपशॉट ऑफ वैल्यू, इट इज स्टैटिक, इट डज नॉट हैव टाइम इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू फंक्शन एक्स मीन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज यानी देयर आर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है, वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एक्स इक्वल टू फंक्शन पी एक्स मीन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, व्हेन द प्राइस चेंजेज डिमांड ऑल्सो चेंजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिग्रेशन एनालिसिस इज ए। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, स्टैटिस्टिकल मेथड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रिग्रेशन इक्वेशन वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई विच इज नॉट ट्रू। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू, ए इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्चुअली ये वेरिएबल लिख रहा है, ये कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिग्रेशन मे बी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर है, ऑल ऑफ दीज यानी सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल, ये तीनों प्रकार के रिग्रेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप्स आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज यानी निगेटिव भी स्लोप्स होते हैं, पॉजिटिव और जीरो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप इज मेजर्ड एज। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन यक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्रेजेंटेड एज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, यानी प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज काइंड, यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन है फाइव, और पांचों के नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइज इलास्टिसिटी फॉर ए गुड इज इन इलास्टिक एंड प्राइज इंक्रीजेज देन डिमांड फॉर द गुड्स विल, तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री सही है, डज नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाई। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ वन एंड टू, यानी सप्लाई ऑफ कैपिटल, डिमांड फॉर कैपिटल, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों का पूर्ण उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद द न्यू क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ वन एंड टू, यानी नट विक्सेल और डी एच रॉबर्टसन दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर है, ऑल ऑफ दीज यानी सेविंग, डिसऑर्डिंग और बैंक मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कीन्स थियरी ऑफ इंटरेस्ट मनी इज डिमांडेड फॉर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज यानी प्रिकॉशनरी मोटिव, इनकम मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इज कंसर्न विथ। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, कीन्स थियरी ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, जे आर हिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन।
इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ वन एंड टू, यानी IES कर और LM कर दोनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ वन एंड टू, यानी LM कर स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और IS कर स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू फॉर हिक्स हैंसन थियोरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज, यानी दी थियोरी एज्यूम्स दैट इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट इलास्टिक, इट इज स्टैटिक थियोरी, इट एक्सप्लेन्स द शॉर्ट रन बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज, यानी इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स, इंक्रीज इन लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ वन एंड टू, यानी इकोनॉमिक फैक्टर और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर दोनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल इज डेवलप्ड बाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर थ्री सही है, बोथ वन एंड टू, यानी RM सोलो और DW स्वान दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द एजम्पशन ऑफ न्यू क्लासिकल ग्रोथ थियरी, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज, यानी कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, परफेक्ट कंपटीशन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सोलो रेजिड्यूअल इज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ वन एंड टू, यानी ए मेजर ऑफ आवर इग्नोरेंस और द पार्ट ऑफ ग्रोथ विच इज एक्सप्लेन बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर, नन ऑफ दीज, देखिए नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, लेकिन इसमें GDP ही लिखा था, GNP लिखा है, NNP लिखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेवलपिंग कंट्रीज विच अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट फाउंड, तो ऑप्शन नंबर फोर सही है, नन ऑफ दीज, यानी फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और डिस्ग्यूस अनएम्प्लॉयमेंट सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन रिफर्स, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट किन सजेस्ट फॉर, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट्स दी, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, रिलेशनशिप बिटवीन वेज चेंजेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हाइल इन लॉन्ग रन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, इट इज वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोनॉमिस्ट इज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग रन अप्रोच ऑफ फिलिप्स कर्व, क्या करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन है, मिल्टन फ्रिडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लोज्ड इकोनॉमी में GDP GNP बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर वन सही होगा, GDP इक्वल टू GNP। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPI मीन्स, ये तो आप लोग जानते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसका ऑप्शन नंबर फोर सही है, ऑल ऑफ दीज, यानी इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड सभी होते हैं। प्रोडक्शन मेथड को ही वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, और इंडिया में कौन सा मेथड यूज होता है ये आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाई लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई 100। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आप लोग का कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको किसी आंसर में डाउट होता है कि नहीं हमारा हिसाब से ये सही होगा, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग का स्वागत है।